प्यारे बच्चों, जैसी पकड़ी लड़ियां क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं प्रकाश, प्रकाश के संबंधित स्रोत वस्तुएं और प्रकाश के गुण। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किस संबंधित किरण क्या होता है। तो आपको मालूम है प्रकाश के किसे कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी को हमको पढ़ना क्या है, किरण। और आपको मालूम है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की सरलरेखीय पथ को किरण कहते हैं। आपको फिगर में दिखाया गया है प्रकाश एक सरल रेखा में गति कर रहा है, जिसे आप क्या कहेंगे, किरण, प्रकाश की, या सीखेंगे किरण। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। नीचे वीडियो में दिखाया गया है कि ये पांच प्रकाश की किरण है जो सरल रेखा में गति कर रहे हैं। इस पूरे समूह को कहेंगे प्रकाश किरण पुंज। अगला टॉपिक है, चेक करेंगे हम कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देखिए लिखा गया है क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। हमने ले लिया एक माध्यम वन और दूसरा माध्यम ले लिया टू, और बीच में एक ऐसी रेखा है जो दोनों माध्यमों को अलग अलग विभाजित करती है। माध्यम मतलब होता है मीडियम, या तो निर्वात हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकती है। हमने माना एक प्रकाश किरण इस रेखा में पड़ती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इस पर विचार करेंगे। घटना होती है तीन। पहला होता है प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौटा है। दूसरा होता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तथा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और तीसरा होता है प्रतिकारी पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अवशोषण। आपको दिख रहा है चित्र में एक माध्यम वन है, दूसरा माध्यम टू है। यह प्रकाश किरण इस प्रतिकारी पृष्ठ पर आपतित हो रही है और पुनः उसी माध्यम में वापस हो रही है। इसी कहते हैं, इस पूरे घटना को कहते हैं परावर्तन। जैसे दैनिक जीवन में आप मिरर के सामने जाते हैं तो प्रकाश किरण मिरर पे पड़ता है, उससे टकरा कर पुनः परावर्तित होता है, जिससे आप अपना इमेज मिरर में या दर्पण में देख पाते हैं। दूसरा जो घटना हो रही है, यह प्रकाश किरण इस सतह पर पड़कर इसको भेदते हुए इस माध्यम में चला जाता है, अर्थात अपने मार्ग से थोड़ा सा हटकर आगे की तरफ गमन करता है। उसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से यानी इस माध्यम वन से माध्यम टू में जा रहा है, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है। देखिए प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तथा अपने मार्ग से विचलित रहता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। इसका एग्जाम्पल कांच के गिलास में अगर यदि पानी है उसमें कोई पेंसिल या कलम को रख देने पर कलम या पेंसिल टेढ़ेपन का दिखना वो कौन सी घटना कराती है, अपवर्तन कराती है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है या घटना है प्रतिकारी पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अवशोषण, मतलब
यह जो लाइन है या इसे कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। जब कोई प्रकाश इस पे पड़ती है तो सभी प्रकाश इसके द्वारा अवशोषण हो जाता है, उसे कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अवशोषण। उदाहरण के तौर पर आप सभी को मालूम है कि पत्तियां प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती है, ठीक उसी प्रकार से यह प्रकाश किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित होती है और जितना भी प्रकाश किरण होता है इस पृथक्कारी पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अवशोषण। इसमें आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे जब प्रकाश एक माध्यम में आपतित होती है और उस पर पढ़कर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होती है, जिसे हम कहते हैं परावर्तन अर्थात प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मैं देखिए हमने ए और बी एक दर्पण लिया है जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश वाली सतह को पॉलिश सतह कहते हैं और जो ऊपर सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी ऊपर वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ जिस पर पॉलिश किया है उसे कहा गया है पॉलिश सतह। अब इस मिरर पर एक पीक्यू किरण गिरती है या आपतित होती है, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, अर्थात यह जो किरण है इस पर आती हुई दिख रही है, तो जो किरण आती होती है प्रतीत होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। यह आपतित किरण इस दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, यानी कि जो बिंदु Q है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु Q पर एक 90 डिग्री का रेखा खींचे उसे कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। जब प्रकाश किरण इस बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होती है या लौटती है, परावर्तित होती है इसलिए इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इस परावर्तित का नाम है क्यू आर, अभिलंब यन और आपतित किरण PQ के बीच एक कोण बना हुआ है जिसका नाम है कोण I और परावर्तित किरण QR और अभिलंब के बीच एक और कोण बना हुआ है जिसका नाम है परावर्तन कोण। आने वाली किरण कहते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसको संक्षेप में कोण I से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए कोण I लिखा गया आपको आपतन कोण। आपतन कोण मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है परावर्तन कोण। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, नीचे लिखा गया आपको प्रकाश के नियम, इसके दो नियम है। पहला होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात जिस एंगल से जो किरण यहाँ पे आपतित होगी उसी एंगल से इसी मिरर द्वारा का भी परावर्तित होगी। एग्जांपल के तौर पर यदि कोई किरण 30 डिग्री पे आपतित हो रही है तो 30 डिग्री पे का होगा परावर्तित होगा, अर्थात आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर में आपको दिख रहा है कि जो किरण है PQ इस व्हाइट बोर्ड पर क्या हो रही है आपतित हो रही है, इसी व्हाइट बोर्ड पर अभिलंब भी है और इस आपतन बिंदु से
यह जो प्रकाश किरण है परावर्तित होकर इसी व्हाइट बोर्ड पर है, यानी तीनों यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। अर्थात प्रकाश का दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखिए, बार बार देखिए और इसका नोट आप जरूर बनाएं।